हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा जी, हैप्पी दिवाली। आपने पटाखों की दुकान खोल ली, इस सारे लोगों का मुंह बंद होगा जो कहते थे ना अर्चना कुछ नहीं करती। मैंने नहीं खोली। अच्छा, लोग सही कहते थे फिर। अगर आपने भी नहीं खोली तो ये दुकान खोली किसने? अरे हमने खोली है। अर्चना जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे आप फटे नहीं आलू बम? जितनी रात को आपने रोटियां पेली 165, मुझे तो लगा आप फट गए होंगे अभी तक। क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने। वैसे रोटियां मुझे सूट करती है, मुझे वो सूट नहीं करता। क्या वो इलायची? नहीं नहीं, वो जब कोई घर से निकाल देता है तो। तो आप वो खाया करो अपना, बाबा का वो आता ना चूरन। नहीं, जहर। मजाक कर रहे हो? मजाक मजाक नहीं करो तो क्या करूं, केबीसी में आए हो? सवाल पूछ के 5,000 रुपए जुटाऊं आपको मैं? एक हाथ का तमाचा, दो हाथ की ताली, मेरे जीजा को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ये देखो, चूहों का शाहरुख खान। एक हाथ का तमाचा, वाह 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 वाह। नहीं, यही तमाचा तेरे मुंह पे मारूंगा, नेवले कह के चल भाग। ये दुकान तुम लोगों ने खोली है? नहीं, दुकान ने हमको खोला है। मजाक करते हो? और नहीं तो क्या, केबीसी में आया हूँ, जवाब देके 5,000 रुपया लेके जाने को। अर्चना देख रही हैं आप कितने बेशर्म लोग हैं, ये लोग कारोबार खोल के बैठे, लोगों का बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। अरे जीजा ये सब छोड़ो, आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो तो कुछ पुहनी कर दो। मैंने ना रद्दी वाले को बुला के ना 14 रुपए किलो के हिसाब से तुम दोनों को बेच देना। मैंने बकवास करते, शर्म नहीं आती? हटाओ यहाँ से अपनी दुकान। चलो। अरे क्या कर रहे हो? भगाओ यहाँ से। अरे क्या? हटाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी दिवाली कप्पू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हो? दिवाली पे कौन गले मिलता है? त्योहार गले मिलकर नहीं मनाते। अच्छा, गले मिलके मनाते हैं। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अंकल किधर जा, इधर किधर गले लग रही, गला है इधर। तो मैं गोली के गले मिल लेती हूँ। ओए, इसको तो पूरे टीके नहीं लगे अभी तक, उसके तुम गले लग रही हो। अच्छा तो मैं किसके गले मिलूँ? एक तो दिवाली पे लाखों करोड़ों दिए जल रहे, इसके दिमाग की बत्ती पता नहीं कब जलेगी। मुझे गले लगना है, मैनू जफ्फी पानी है। तमाम मला मिट्टी मार, मला मिठी मार। तू माजी आहेस, मी तुझी आहेस। समझ रही है कि नहीं तुम? ओके ओके, हैप्पी दिवाली। ओह माय गॉड, पटाखे। आई लव पटाखे। कप्पू, मैं पता यही खरीदने जा रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए तो लगाई सारी दुकान। हाँ, जितनी शिद्दत से तुमने पटाखे जलाने की कोशिश की है, उतनी ही साजिश तुम्हारे कप्पू ने तुम्हें पटाखे बेचने की है। ये तुम्हारी दुकान है गजल, लूट लो। तुमने मेरे लिए पूरी दुकान खोली? हाँ। You are so sweet। ओए, दुकान हमारी है। लेकिन अंदर जो फ्रिज में मिठाइयां पड़ी है ना, हाँ? वो मेरी है। ये लो चाबी, पेल दो, जाके पेल दो। कप्पू, मुझे पटाखे दिखाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन आंखों की नमकीन मस्तियां, इन होंठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है दिवाली, जब तक है दिवाली। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने खुद ही तो कहा मुझे पटाखे दिखाओ, मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पटने रही हो। अरे मैं इन पटाखों की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कोई ऐसी फुलझड़ी दिखाओ ना जो मेरी लिपस्टिक से मैच करे। अच्छा, तो रॉकेट मूवमेंट डाल के चलाओगी तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल फुलझड़ी है, ये देखो। मुआ फुलझड़ी। मुआ फुलझड़ी? इसको अकेले नहीं चलाते, ये किसी के साथ ही चलानी पड़ती है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ चलाओ। उसके मुंह में ये अनार बम चलाओ बुढ़े के। छोड़ो ये सब, ये ले लो तुम डांसिंग चक्री, ले लो डांसिंग चक्री। हाँ। ये क्या है? ये डांसिंग चक्री है, इसको जब चलाते हैं ना तो डांस करना पड़ता है।
वो भी रोमांटिक। हाँ ये अच्छी है, ये दे दो, मैं घर जाके चलाती हूँ। घर जाके नहीं चलाते, जिससे लेते हैं उसी के साथ चलाते हैं और उसके साथ डांस करके पटाखों के पैसे वही के वही माफ करवा देते हैं। अच्छा? हाँ। वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुमने जिससे ली थी उससे डांस किया था? उसके साथ भी किया था, उसके बाप के साथ भी किया था, तुम भी मेरे साथ करो। क्यों बाहर आप पटाखे चला रहे हैं? मैं अंदर रियाज कर रहा हूँ, आपके रियाज की वजह से मेरे पटाखे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपके पटाखे की वजह से मेरा रियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके कंधे के पास कुछ गंदा सा लगा हुआ है। कहाँ? अरे नहीं, आपका मुंह है। तुम छींक आ रही, पीछे हट जाओ। बताओ तुमने इनके साथ डांस किया तो जाओ अंदर, मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अबे चल बे खजूर। और मैं अंदर क्यों जाऊं? देखिए ना उस्ताद जी, कप्पू ने पटाखों की दुकान लगाई है। पटाखे? ये पटाखे तुमने मेरे लिए लगाए हैं कप्पू? पटाखे? ये कहां से रो रहे हो कप्पू? मैं ये ले लूं? दुकान बंद है, कहो यहां से। दुकान बंद है मतलब मैं भी कुछ नहीं ले पाऊंगी? तुम्हारे लिए दुकान बंद नहीं है जानू, तुम्हारे लिए ड्राई डे है। गेट अप, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाओ, मैं खरीद सकती हूं? गलत है। नहीं, ये सही चल रहा है, पटाखे नहीं ले रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूं। तालियां बजाना चाहता हूं। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेकर दूंगा तुमको गजल। ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई, अब कितने की है? ये मिठाइयां नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा, ये इतने की मिलेगी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना, आप जो सोच रहे थे वो सोचिए, आप सोचिए क्या, मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। तुम मेरे साथ चलो कपू। ये क्या? ले जाओ, खबर चार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बहला फुसला नहीं रहे, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। भाग लो तुम, और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। जब मम्मी पापा, आप मेरी मम्मी पापा हो? ओह गॉड, पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे को पटाखे दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाकर किताब पढ़ो, एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। यार तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को साहब। साहब? आपने मुझे साहब कहा? अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चेली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ? इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप जला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेगी। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो
इस उस्ताद का मुंह बचाए सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो उसको कुछ कहने से पहले तुम छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, Kapu. Oh. ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो, ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू भयंकर रूप इतना फनी होता है मैंने कभी नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाया। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। मेरे पति से दूर रहे वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुमने से पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस, तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू हेल्प, वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा, क्या कुछ गंदा सा, तुम कुछ गंदा सा करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी बता? किसी की तो होगी तुम। खला चेशाब। बस अगर यह सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। सभी को द कपिल शर्मा शो की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अर्चना, दिवाली के मौके पे पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है, चाहे कोई देश में रह रहा हो चाहे विदेश में रह रहा हो, हर किसी को अपने घर जाना होता है, दूर दूर से लोग अपने घर आते हैं। तो आज दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ भी देश के अलग अलग जगहों से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, देश से ही नहीं पड़ोसी देश से भी मेहमान आ रहे हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं पंजाब की दहाड़ बुलंद आवाज के किंग, प्लीज वेलकम मिस्टर सुखविंदर सिंह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।